गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं नाउन। इसके पहले हमने क्लास में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारे टॉपिक थे। तो उसमें से एक टॉपिक हम ले रहे हैं नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसी नाम शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा या नाउन कहते हैं। बहुत सिंपल है। आप में से भी किसी का नाम नैना है, काजल है, रीता, सीता, गीता, जहां आप जिस जगह में रहते हैं उसका नाम भी अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज परिभाषा, ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन। वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा है मटेरियल नाउन। तो अब एक एक करके हम इसमें से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन तो इसमें एग्जाम में आता है कि नाउन के कितने भेद हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हिंदी में कहते हैं इसको जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो हम किसको कहेंगे, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे हम कुत्ता बोलते हैं तो उसे तात्पर्य पूरे डॉग फैमिली से है। अगर आदमी बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं या ब्रदर सिस्टर, तो ये सब कैसे वर्ड है, कॉमन नाउन है। इन सबसे सभी, जैसे माँ बोलते हैं तो कोई भी माँ हो सकती है, टीचर बोलने से कोई भी टीचर, जगह बोलने से कोई भी जगह, मंदिर बोलने से कोई भी मंदिर। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कॉमन नाउन को, जिस शब्द से किसी एक का नहीं, जिस शब्द से किसी एक का नहीं, उस जाति का बोध हो, उस जाति का बोध हो, तो उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी एक का नहीं बल्कि उस जाति का बोध हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, फादर, मदर, रिवर, हिल्स,
माउंटेन, टेम्पर। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो कि किसी एक शब्द को नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे बॉय बोलने से कोई भी लड़का, गर्ल बोलने से कोई भी लड़की, टीचर बोलने से कोई भी शिक्षक हो सकता है, मदर बोलने से कोई भी माँ हो सकती है, रिवर बोलने से कोई भी रिवर, हिल हिल मतलब पहाड़ी, माउंटेन पर्वत, टेम्पल मंदिर। तो इस ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा डॉग, कैट, टाइगर, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वर्ड आपको दिए हैं फिगर के माध्यम से, आप उसको देखकर भी समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। दूसरा हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, जब उस कॉमन नाउन का, हमने कॉमन नाउन किसको कहा, जब पूरी जाति का बोध कराता, जैसे डॉग तो कोई भी डॉग हो सकता है, कैट बोलने से कोई भी कैट हो सकता है, मैन बोलने से कोई भी मैन हो सकता है, लेकिन जब उसी कैट का नाम हम सुनहरी, सोनपरी, डॉग का नाम शेरू कह देते हैं, टीचर का नाम मिस्टर श्याम, घनश्याम कुछ भी रख देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब हम किसी चीज का विशेष नाम देते हैं तब वह किसी विशेष व्यक्ति या जगह को दर्शाता है और वही है हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे आप में से बहुत का नाम है तो आपका जो नाम है वह भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसका परिभाषा हम देखेंगे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमने यहां क्या देखा, प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, किसी खास व्यक्ति। जैसे मान लो हम बोलते हैं सीता, तो कोई खास लड़की का नाम सीता है, सबका नाम सीता तो हो नहीं सकता। उसी तरह से कोई भी स्थान है, वस्तु है, जैसे नदी, अगर हम नदी रिवर बोलते हैं तो कॉमन नाम हो गया, लेकिन अगर उसी रिवर का नाम अगर गंगा, तो गंगा क्या है, गंगा इसे होली रिवर, एक पवित्र नदी है। कोई खास नदी है जो कि मानसरोवर से निकलती है, उसका नाम है गंगा। उसी तरह से सेरू, रांची, इंडिया, और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड है जो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। तो इसमें हमने बहुत सारे लिस्ट दिए हैं प्रॉपर नाउन के, वो भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे हम देखेंगे हमारा थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन।
तो तीसरा हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन या समूह वाचक संज्ञा क्या है। वैसा शब्द, वैसा शब्द जिससे किसी समूह का बोध हो, किसी समूह का बोध हो। बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे स्कूल, प्राइड, ब्रूड, बंच एटसेट्रा। तो किसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे? वैसा शब्द जिससे किसी समूह का, एक का नहीं समूह का बोध हो, तब उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। मेला, मेला भी किसी एक व्यक्ति से नहीं लगता है, बहुत सारे व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो मेला लगता है। उसी तरह से स्कूल, प्राइड, ब्रूड, बंच एटसेट्रा बहुत सारे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स का एग्जांपल दिया है। आगे हम देखेंगे चौथा हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो इसमें वैसे शब्द आएंगे जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कोई चीज खाने में बहुत टेस्ट लगा तो हम क्या कहते हैं? बहुत स्वादिष्ट। जैसे हमको अच्छा लगा, क्या बोल सकते हैं? आई फील गुड। तो वैसे शब्द जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुडनेस, कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं है उसे हम फील कर सकते हैं। गुडनेस अच्छा है, गुडनेस हैप्पीनेस खुशी, इसी तरह से हेटर्ड ऑनेस्टी, काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता, ऑनेस्टी ईमानदारी, हेटर्ड नफरत। तो ये सबको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से फील कर सकते हैं। तो वैसे सभी नाउन क्या कहलाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं,
लास्ट हम देखेंगे मटेरियल नाउन। तो लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा, किसको कहेंगे? वैसे सभी पदार्थ, वैसे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, उन्हें मटेरियल नाउन कहेंगे। कहते हैं तो इसको भी हम दो भागों में कर सकते हैं विभाजित, एक तो है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। तो मटेरियल नाउन का फिर कितना भाग हुआ? दो भाग हुआ। मटेरियल नाउन के दो भेद हैं, मटेरियल नाउन के दो भेद हैं, पहला है काउंटेबल यानी गणनीय, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल में क्या आएगा? जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। उदाहरण पेन, पेंसिल, कॉपी, इसे हम गिन सकते हैं कि हमारे पास कितना कॉपी है, कितना पेन है, कितना पेंसिल है। और इसमें भी हम क्या लगाते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिसमें हम ए का प्रयोग करेंगे और किसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, अगणनीय। क्या क्या हो सकता है? वाटर, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे हमने किसी से कहा कि एक पेन दो, तो पेन की गणना हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको पानी प्यास लगा है तो हम एक पानी दो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एक ग्लास पानी दो। आसमान में तारे हैं, उनकी गणना भी हम नहीं कर सकते हैं। जो चावल खाते हैं हम, उसकी गणना भी नहीं करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो अगणनीय है और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। हवा, ये भी अनकाउंटेबल है। तो इसमें हम उदाहरण देखेंगे वाटर, एयर, राइस, ऑयल एटसेट्रा। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दो, ज्यादा दो, कम है, अधिक है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो मटेरियल नाउन के कितने भेद हुए? दो भेद हुए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सबसे शुरू से एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। तो नाउन, नाउन किसको कहेंगे? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जगह का नाम हो, हम क्या कहेंगे? उसको नाउन कहते हैं। और नाउन के कितने भेद हुए? पांच भेद हुए। सबसे पहला था कॉमन नाउन। कॉमन, कॉमन करने से ही समझ में आता है
कि वो साधारण कॉमन यानी पूरी जाति का बोध कराए। जैसे बॉय बोलेंगे तो सभी लड़के जाती हुए, गर्ल बोलने से सभी तरह की लड़कियां, टीचर, मदर, फादर, तो ये सब कॉमन हो जाते हैं। लेकिन जब उसी का कुछ नाम रख देते हैं, सीता, गीता, रीता, तो इस तरह से वो किसी खास व्यक्ति को इंगित करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कॉमन नाउन को आसानी से नामकरण करके कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करना, जमा करना, यानी जो किसी एक को नहीं बतला करके किसका बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, तो कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भीड़, कोई एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होता है, भीड़ कहने का मतलब है आदमी का झुंड। चौथा हमने देखा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस, कौन आदमी कितना दयालु है उसको हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, कौन कितना ऑनेस्ट है, दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा, मटेरियल नाउन यानी द्रव्य वाचक संज्ञा, वैसे सभी पदार्थ जिन्हें नापा या तौला जा सकता है उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसके भी दो भेद है, दूसरा है काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नाउन का टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल के बारे में, यानी किस नाउन में ए लगेगा। यहाँ हमने देखा ना काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो किस में ए का प्रयोग होगा, किस में एन का प्रयोग होगा, किस वर्ड के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, वैसे सभी के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।